गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आज हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन. ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो हम देखते हैं कि ये जो चेंज क्या होती है. ठीक है, चेंज का मतलब क्या है, परिवर्तन क्या है. डेली लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारी चीज हमारे आंख के सामने चेंज हो जाता है. ठीक है, क्या क्या चेंज होती है ना, जैसे आपका कुछ चेंज होती है कि बहुत स्लो होती है तो हमें पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है. ठीक है, और कुछ होता है बहुत फास्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल हमारे सामने में जल रहा है. ठीक है, उस टाइम हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे पूरे कैंडल क्या होगा, जल के खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है ना, फास्ट चेंज हो रहा है, कुछ ही टाइम के अंदर वो पूरा कैंडल खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, फास्ट चेंज. नेक्स्ट और क्या हम देखते हैं ना, कुछ चेंज होती है बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, रेगुलर चेंज होती है. रेगुलर मीन जैसे कि चेंज ऑफ सीजन, सीजन का चेंज होती है. ठीक है, ऋतु परिवर्तन होती है. ठीक है, तो है क्या रेगुलर, कि जैसे समर के बाद क्या आ जाएगा, रेनी आ जाएगा, रेनी सीजन के बाद आपका विंटर सीजन आएगा, ऐसे वो रेगुलर होता है, पैटर्न वाइज होती है. ठीक है, और कुछ होती है सडन हो जाता है. सडन में से क्या होती है ना, आर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सब सडन होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अचानक से हो जाता है. ठीक है, सडन चेंज. और कुछ होता है रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज. हमारे जो डेली लाइफ में क्या क्या चेंज होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कुछ चेंज होता है कि बहुत टाइम लगाते हैं, और कुछ चेंज होता है तुरंत हो जाता है, कुछ सडनली होता है, कुछ रेगुलर पैटर्न में होता है, और कुछ होता है क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल यानी जो क्या होता है, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि चेंज होने के बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे उसका जो मूल रूप में हम वापस आ जाएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, वो क्या है ना, रिवर्सिबल चेंज है. आइस जब मेल्ट होता है पानी में, फिर पानी जब किसी का ठंडा होगा तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रिवर्सिबल है, चेंजेबल है. ठीक है, और इरिवर्सिबल क्या है ना, जो चेंज नहीं हो सकते, रिटर्न नहीं हो पाएगा, एक बार चेंज हो गया तो रिटर्न नहीं हो पाएगा. रिवर्सिबल में क्या होता है ना, चेंज होने के बाद हम फिर से रिटर्न आ जाते हैं. ठीक है, बट इरिवर्सिबल में हम रिटर्न आ नहीं पाएंगे. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर जब हम बर्न करते हैं, पेपर को जला देते हैं, तो भी क्या होती है ना, और जली हुई राख से हम पेपर नहीं मिलेगी हमें. ठीक है, वो हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज. तो डेली लाइफ में हम कितने सारे चेंज देखते हैं, सडन चेंज, रेगुलर चेंज, फास्ट चेंज, स्लो चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, बहुत सारे चेंज हम देखते हैं. बट केमिस्ट्री में से क्या होती है ना, ये चेंज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी ये चेंज दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज क्या है ना, इन सम चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट प्रोड्यूस. तो ये ऐसे चेंज होती है जिसमें से न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, नया कुछ हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, वो है फिजिकल चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि पेपर में क्या करेंगे, नाव बनाएंगे, पेपर में कुछ क्राफ्ट हम बना रहे हैं. ठीक है, वो क्या है ना, पेपर ही हमें मिलती है. ठीक है, उसका शेप बेशक चेंज हो जाता है, जैसे हम नाव बनाते हैं. ठीक है, नाव को पीछे क्या खोल देंगे तो कोई पेपर मिल जाएगा, तो क्या है ना, फिजिकल चेंज है. उसमें से कुछ न्यू सिस्टम्स नहीं बनती है. ठीक है, ये नहीं है कि पेपर हमारा ग्लास बन गया, कि पेपर हमारा प्लास्टिक बन गया, कुछ नया नहीं बना. ठीक है, पेपर में से हम पेपर का ही नाव बनाए हैं, उसी नाव को जब हम खोल देंगे तो फिर से पेपर मिल जाएगी. ठीक है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सभी भी कर सकते हो. ठीक है, सबके पास पेपर अवेलेबल है. तो फिजिकल चेंज क्या होती है ना, ये एक ऐसे चेंज है जिसमें से न्यू सिस्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल नेचर का चेंज नहीं होती है. देयर इज नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ आपका कोई से सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हम क्या किए हैं, चेंज किए हैं, उसका केमिकल नेचर का चेंज नहीं होगा. वहाँ पे कुछ भी नया सब्सटेंस बनेगा नहीं, तो उसको ही कहेंगे फिजिकल चेंज. ठीक है, बहुत सारे चेंज हम डेली लाइफ में देखते हैं फिजिकल चेंज. तो एग्जाम्पल्स में से आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, और आप ले सकते हो क्या,
फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर फोल्ड करते हैं, और आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, और आपका क्या ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा आपका क्या एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज का। ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब क्या होती है, जिसमें से न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आ गए। पर ये फिजिकल चेंज दो प्रकार की है, एक है रिवर्सिबल चेंज और एक है इरिवर्सिबल चेंज। तो हम अभी देखते हैं, चेंज कितने प्रकार के होते हैं, ना दो प्रकार की, एक है आपका फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। तो देखते हैं अभी चेंज कितने प्रकार के हैं। केमिस्ट्री में ये चेंज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज जहाँ पे न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है, नो न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, ठीक है, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है वो है फिजिकल चेंज। फिर से फिजिकल चेंज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है और एक है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज और एक है irreversible change। ठीक, तो physical change again divided into two kinds, reversible change, irreversible change। reversible change में से क्या आ जाएगा, जैसे आपका folding of paper, paper को हम fold करते हैं तो क्या हो जाएगा, reversible change, paper का fold करेंगे फिर fold देंगे हो जाएगा आपका क्या, reversible change। उसका example हम ले सकते हैं folding ऑफ पेपर, पेपर को हम फोल्ड करते हैं जैसे, और आपका हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होना वो रिवर्सिबल है। बट इरिवर्सिबल चेंज क्या है, इसमें से तो न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है, फिजिकल चेंज है बट इरिवर्सिबल। कैसे, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, टम्बलर जानते हो ना, कांच की ग्लास होती है, ठीक है, टम्बलर। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, टम्बलर यानी आपका जो ग्लास पीते हो, ठीक है, पीते हैं जिसमें से पानी भर के वो है ग्लास। तो ग्लास टम्बलर मीन्स शीशा की ग्लास, कांच की ग्लास, ठीक है, जब कांच की ग्लास टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फिर उसको फिर क्या जोड़ के हम ग्लास बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। बट वहाँ पे क्या है, ग्लास जो है, शीशा जो है, कांच जो है, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो कांच ही रहा, बट ग्लास का जो शेप था वो ब्रेक डाउन हो गया, जिसको हम दोबारा क्या नहीं कर पाएंगे, ना ग्लास में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, वो है क्या, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंज समझ में आ गया। तो देखो फिजिकल चेंज टू टाइप से, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज में से क्या होती है ना, जो हमें जिससे दोबारा हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर है। और इरिवर्सिबल चेंज क्या है, वो फिजिकल चेंज है बट वो रिवर्स कर नहीं पाएंगे, रिटर्न हो नहीं पाएंगे, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ठीक है, कांच की ग्लास जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर से दोबारा हम न्यू ग्लास हमें नहीं मिलती है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल चेंज बट फिजिकल चेंज। और देखेंगे अभी क्या, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है ना, ये रासायनिक परिवर्तन है, उसमें से क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। हमेशा केमिकल चेंज क्या होती है ना, इरिवर्सिबल चेंज होती है, ठीक है, केमिकल चेंज क्या होती है ना, इरिवर्सिबल चेंज होती है, ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं होंगे, वहां पे क्या होगा ना, न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे, ठीक है।
व्हाट डू मीन बाय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होती है ना, इन सम चेंजेस अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्मड. तो कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें से न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, केमिकल नेचर जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, उसको ही कहते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, क्योंकि जो राख मिलती है उसी राख से दोबारा हमें पेपर नहीं मिल पाएगी, ठीक है, वो है क्या ना, केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे थे क्या फिजिकल चेंज में, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ठीक है, टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, पेपर को फोल्ड करना, ये सब क्या आ जाएगा ना, फिजिकल चेंज. बट केमिकल चेंज में क्या होगा ना, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर को हम बर्न कर लेंगे, जला लेंगे, तभी उसमें से हमें क्या मिलेगी, राख मिलेगी, और उसी राख से हमें दोबारा पेपर नहीं मिल पाएगी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा ना, रिवर्सिबल चेंज नहीं होगी, केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे राइट फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ इच रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. तो भी इरिवर्सिबल चेंज का पांच एग्जाम्पल्स देना है और रिवर्सिबल चेंज का पांच एग्जाम्पल्स देना है. तो उम्मीद है आप सब दे पाओगे, ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस किए, तो ठीक है, थैंक्स टू ऑल.